चिल्ड्रंस डे। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, अब चाहे किसी चीज की जिद हो या फिर मम्मी पापा से कई तरह के सवाल करने हो, उनमें हमेशा सच्चापन और विश्वास होता ही है। इन बच्चों का दिन भी आ गया चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। थैंक यू टीचर। चिल्ड्रंस डे इज द बेस्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन, क्योंकि स्कूल से होमवर्क नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ मस्ती। चिंकी, लास्ट ईयर से इस साल तुम ज्यादा स्मार्ट हो गई हो, तुम्हें विशेष शुभेच्छा। सभी बच्चे हंस पड़े। जिस तरह से टीचर ने चिल्ड्रंस डे मनाने के बारे में कहा, उस तरह से बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए। कुछ ही देर में टीचर्स के साथ बच्चे अनाथ आश्रम पहुंच गए। अच्छा, तो चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है? सर, मुझे पता है, क्या मैं बताऊं? गट्टू को टीचर ने परमिशन दी। सर, आज श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस है और वो विद्यार्थियों से बहुत प्यार करते थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये खास दिन मनाया जाता है। वाह वाह गट्टू, वेरी गुड। जैसा कि गट्टू ने अभी अभी कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विद्यार्थियों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे के इस अवसर पर शहर के ऑर्फनेज में आकर चिल्ड्रंस डे मनाने का प्रोग्राम अरेंज किया है। साथ में हमने वहाँ मौजूद हर बच्चे के लिए गिफ्ट और चॉकलेट भी लिए हैं। मुझे पता है तुम सभी बहुत इंजॉय करोगे। गट्टू और चिंकी को पता है, अनाथ आश्रम में उन बच्चों को रखा जाता है जिनका कोई नहीं होता। गट्टू चिंकी ने देखा, अनाथ आश्रम में कई सारे बच्चे हैं, वो भी उनकी तरह यूनिफॉर्म में है। ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिख रहे हैं ना चिंकी, लेकिन कौन कहता है इनका कोई नहीं, हम तो इन्हीं के लिए यहाँ आए हैं ना। गट्टू, तुम सही कह रहे हो, इन सबके साथ चिल्ड्रंस डे मनाने में कितना मजा आएगा। हर साल स्कूल में ही प्रोग्राम किया जाता है, हम कितना मजा करते हैं। इस बार हम सबके साथ मजा करेंगे, हम इस देश के नागरिक हैं और हमें हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। दूर से ही टीचर गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, शाबाश गट्टू और चिंकी, यही सोच तुम बच्चों में बनी रहे, इसलिए हमारे स्कूल ने डिसाइड किया था कि बाल दिवस अनाथ आश्रम में मनाया जाए। देश के बच्चे में देश के लिए प्यार और नागरिकों के लिए सम्मान निर्माण हो, तुमने तो हमारी कोशिश को सफल कर दिया। चलो गट्टू, हम नए दोस्त बनाते हैं। गट्टू और चिंकी निकल पड़े। अनाथ आश्रम के सभी बच्चे गट्टू और चिंकी और बाकी सभी बच्चों को देखकर खुश हो गए। चलो हम सब मिलकर गेम खेलते हैं। क्या खेले? चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। नहीं, हाइड एंड सीक नहीं, हम हमेशा ये गेम खेलते हैं, कुछ नया खेलें। हाँ, तुम सही कह रहे हो, कुछ नया सोचना चाहिए, क्या खेलें? आइडिया। चिंकी ने चुटकी बजाई और गट्टू के कान में आइडिया बताने लगी। यस, चिंकी बहुत बढ़िया गेम है, इन सबको भी बहुत पसंद आएगा। गट्टू ने चिंकी की आंखों पर पट्टी बांधी। अब चिंकी हमें पकड़ेगी। बच्चे खुश हो गए। ये अच्छा ब्लाइंड मैन्स बफ। ये क्या, ये तो अंधली कौशंबीर है ना। इसे ही ब्लाइंड मैन्स बफ कहते हैं। हंसते कूदते हुए बच्चे अंधली कौशंबीर खेलने लगे। चिंकी की आंखों पर पट्टी थी, लेकिन फिर भी चिंकी बड़ी चालाक है और वो आसानी से सबको आउट कर रही थी। आखिर में गट्टू पकड़ा गया। गट्टू के आंखों पर पट्टी बांधी गई। गट्टू ने भी धीरे धीरे सबको आउट कर दिया। भागा दौड़ी करके बच्चे थक गए। चलो बच्चों, सबके लिए खाना रेडी है, तेजी दिखाओ और खाना खाओ, बाद में फिर खेल लेना। स्कूल ने अनाथ आश्रम के सभी के लिए लंच का प्रबंध किया था, जहाँ स्कूल के बच्चों के साथ साथ सभी ने बड़ा आनंद लेकर खाने का स्वाद लिया। वाह, मजा आ गया, आज नो पढ़ाई, ओनली खाओ और खेलो। मुझे तो लगता है रोज चिल्ड्रंस डे हो, ताकि तुम यूं ही पढ़ाई से बचे रहो, क्यों गुड्डू? मुझे ये डेज बेहद पसंद है, कितना मजा आया सच में। तुम्हें पता है, हम सब भी पढ़ाई करते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, राजू इंजीनियर बनेगा और छोटू तो कलेक्टर बनना चाहता है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह,
क्या बात है, मुझे भी कुछ बनना है। मैं बहुत अच्छा बच्चा बनना चाहता हूँ। मुझे तो टीचर बनना है, ताकि मैं हमारे टीचर की तरह सभी को साक्षर बना सकूं, हर कोई शिक्षा ले सके। हाँ जरूर चिंकी, हमारी तरह कई सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते और उन्हें स्कूल और किताबों से दूर रहना पड़ता है। क्यों आकाश, ऐसा क्यों? स्कूल तो हर बच्चा जाता ही है ना? नहीं पिंकी, हर बच्चा नहीं जाता। अनाथ आश्रम हमारा आधार है, लेकिन हमें नए दोस्त कभी नहीं मिलते। अब तुम आए हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम यही चाहते हैं कि कोई भी पढ़ाई से दूर ना रहे। कभी कभी तो खाना और रहना भी मुश्किल होता है, पढ़ाई तो दूर की बात है। डोंट वरी, आगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये चिंकी का वादा है। सभी ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। गट्टू दौड़कर टीचर की तरफ गया और टीचर से कहने लगा, सर हमने जो गिफ्ट और चॉकलेट सभी स्टूडेंट्स के लिए लाए थे, तो क्या हम अभी वो दे दे? हाँ क्यों नहीं, सबके लिए गिफ्ट लाया है, बांट दो सब में। गट्टू दौड़ता हुआ गया और सारे गिफ्ट लेकर आया। एक एक करके गट्टू और चिंकी ने मिलकर सभी गिफ्ट और ढेर सारे चॉकलेट्स भी बांट दिए। थैंक यू सो मच इतने सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट के लिए। वाह वाह, चिल्ड्रंस डे पर क्या गिफ्ट्स मिले हैं, थैंक यू। थैंक यू मत कहो दोस्त, आज चिल्ड्रंस डे हमने बहुत एंजॉय किया, हमें इतने सारे नए दोस्त मिले। अब हम हर साल यहीं आकर चिल्ड्रंस डे मनाएंगे। जरूर गट्टू चिंकी, सच है बच्चे मन के सच्चे होते हैं। थैंक यू सर। गट्टू चिंकी, यहाँ सभी बच्चे बड़े टैलेंटेड है, देखना है तो चलो आज जाने से पहले सबको अप्रिशिएट कर दे। सभी बच्चे बड़ा सा सर्कल करके बैठ गए। मैं एक पोयम गाऊंगा, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ। वाह वाह, अब मैं टीचर की एक्टिंग करूंगा। गट्टू ने अपने दोस्त का चश्मा पहना और एक्टिंग करने लगा। सभी ने गट्टू का परफॉर्मेंस एंजॉय किया। एक एक कर सभी अपनी फेवरेट एक्टिविटीज करने लगे। मैं अलग अलग भाषा में बात करूंगी। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। चिल्ड्रंस आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। मुलम देवाघर जी फुलम और हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सबने चिंकी के लिए तालियां बजाई। एक बात मुझे भी सुझी है, सुनाता हूँ। जिम्मेदारी बचपना नहीं कर सकती, इसीलिए बचपना जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे।